हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका टिक्सी किचन में स्वागत है। जैसा कि आजकल जाड़ों के दिन चल रहे हैं, ठंड बहुत है, तो हमको आज ठंड की जाड़ों की मिठाई खाने का भी मन करता है। तो चलिए आज हम आपके लिए जाड़ों की मिठाई मक्खन समोसा बनाने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं मक्खन समोसा कैसा लगता है। तो यकीन मानिए, यह मक्खन समोसा आपके मुंह में जाते ही मक्खन की तरह घुल जाएगा और बहुत ही टेस्टी यमी लगेगा। तो मेरी रेसिपी देखकर ज़रूर बनाइए और बताइए ये कैसा बना। तो मक्खन समोसा बनाने के लिए ये मैंने थोड़ा सा मावा ले लिया है। आप अपने इच्छा अनुसार मावा ले लीजिए। उसमें ये हम ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। आप अगर इच्छा हो तो इनको रोस्ट कर लीजिएगा। मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं। तो ये कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने मावा में डाल दिया है और लिक्विड येलो कलर लिया है भराव में कलर लाने के लिए। तो ये येलो कलर मैंने लिक्विड लिया है खाने वाला, इसको ले लेते हैं। अब इसके बाद में ये मैंने पिसी हुई चीनी डाली है। इच्छा अनुसार जितना आपको मीठा चाहिए, आप यहाँ पर मिश्री भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पिसी हुई चीनी ली है। अब हम इसको मैश कर लेते हैं। तो इसके साथ में हम इलायची पाउडर इस स्वाद के अनुसार, स्मेल के अनुसार डाल देंगे। थोड़ी सी इलायची पाउडर डालेंगे। अब हम इसको मैश कर लेते हैं। यकीन मानिए, बहुत ही अच्छा मक्खन समोसा जाड़ों की मिठाई बनकर तैयार होती है। यह मिठाई हम सिर्फ जाड़ों में ही बना सकते हैं। तो चलिए आइए, मेरी रेसिपी देखकर आप ज़रूर बनाइए और बताइए ये कैसी बनी है। तो ये देखिए, अच्छे से भराव में हमने इसको चीनी को और ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर लेते हैं। इसको हम एक किनारे कर देंगे और आगे का प्रोसेस करते हैं। ये हमारे ड्राई फ्रूट्स का भराव तैयार हो चुका है। तो चलिए, अब ये मेरा ताजी बना हुआ मक्खन है। अब इस मक्खन का आगे प्रोसेस करते हैं हम। तो ये देखिए, इस मक्खन को अच्छे से हम मैश करेंगे और इसका जितना भी बचा हुआ पानी है वो हम निकाल देंगे। आप ये देखिए, इस तरीके से मैं नीचे से हाथों के बल ताकत लगाकर इसको बहुत अच्छा सा चिकना करते हैं। और जब तक इसका बिल्कुल सारा पानी ना निकल जाए, जब तक इसको चिकना करते जाते हैं और बहुत ही जब स्मूथ हो जाए तब हम इसको करते हैं आगे का प्रोसेस बढ़ाते हैं। तो ये देखिए, इसका हमारा ये मक्खन का पानी छोड़ रहा है मक्खन, ये देखिए, और ये स्मूथ भी चिकना हो रहा है। इसी तरीके से मैं जब तक हम और इसको थोड़ा सा मैश कर लेते हैं और अच्छे से चिकना बन कर लेते हैं। जितना ज़्यादा चिकना और मैश करेंगे, उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा मक्खन समोसा बनकर तैयार होगा। ये देखिए, मेरा ये मक्खन खूब चिकना हो चुका है, बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। अब हम थोड़े से आइस के पीस लेते हैं और उसमें ये मक्खन हम रख देते हैं और आगे का प्रोसेस करते हैं। ये मैंने प्लास्टिक कवर ले लिया है, प्लास्टिक सीट ली है। तो इस प्लास्टिक सीट में थोड़ा सा मक्खन का एक बॉल लेकर हम इस तरीके से मैं इसका बॉल बनाएंगे और दूसरी उसके ऊपर इस तरीके से मैं दूसरा प्लास्टिक सीट रखेंगे। और अब हम बेलन के हेल्प से इसको हम जिस तरीके से मैं रोटी बेलते हैं उसी तरीके से मैं हल्के हल्के हाथों से प्लास्टिक सीट को उठाकर चारों तरफ से एक सा हम बेल लेंगे। ज़्यादा ताकत नहीं लगाएंगे, नहीं तो ये हमारा बहुत ही सॉफ्ट है। तो ये हम हल्के से इसको हम बेल लेते हैं चारों तरफ। तो अच्छे से ये हम बेल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैं धीमे धीमे हम बेलना शुरू करेंगे। और जब ये हमारा इस तरीके से मैं चारों तरफ से बेलना शुरू हो जाता है, अब हम इसको ऊपर की प्लास्टिक शीट जो है हटा लेते हैं। ये देखिए, हमने धीमे से हटा देंगे प्लास्टिक शीट और ये धीमे से हटाएंगे जिससे कि ये हमारा ये टूटे नहीं। अब ये देखिए, बिल्कुल कितनी बढ़िया अच्छी हमारी मक्खन की रोटी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें एक समोसे की तरह बिल्कुल एक हाफ कट लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने धीमे से हाफ कट ले लिया है, ये कट कर लिया अब इसको।
अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। अब इसको हम नाइफ़ की हेल्प से थोड़ा सा नीचे की परत में इस तरीके से नाइफ चला देंगे तो ये हमारा ये रोटी जो है पॉलीथीन से अलग हो जाती है। अब हम थोड़ा सा हाथों में आइस ले लेंगे क्योंकि हाथों की गद्दियों में गर्मी रहती है, तो थोड़ा सा हमने हाथों में आइस लगा लिया है और हम इसको हाफ पीस को उठा लेते हैं। अब जिस तरीके से हम समोसा बनाते हैं उसी तरीके से हम इसमें समोसे का शेप दे देते हैं इसको, तो समोसे की कोन की तरीके से ये देखिए इसी तरीके से मैं हल्का सा हमको और बहुत ही सॉफ्ट हाथों से धीमे धीमे ये काम करना है, नहीं तो आप देख जानते हैं मक्खन कितना सॉफ्ट रहता है तो ये हमारा टूटने का भी डर होता है, इसीलिए ये मिठाई हमारी जाड़ों में ही बन पाती है, तो हम ये जाड़ों में की ही मिठाई कही जाती है। अब हम इसमें जो हमने भराव तैयार किया था उसको हम डाल देते हैं। तो ये चलिए ये हमने कोन बना दी है, बनाने के बाद ये भराव डाल दिया है। अब जैसे हम समोसों में प्लेट बनाकर इसको चिपकाते हैं उसी तरीके से मैं हम इसको प्लेट बना के हमने ये देखिए इस तरीके से चिपका दिया है। बहुत ही अच्छा बहुत ही टेस्टी मक्खन समोसा बनकर हमारा तैयार होता है। ये देखिए कितना बढ़िया अच्छा चिकना मक्खन समोसा बनकर तैयार हुआ है। इसको थोड़ी देर आइस में रखने के बाद में इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे, तब यकीन मानिए ये और भी चिकना हो जाएगा और बहुत ही स्मूथ सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। अब थोड़ी देर हम जब तक बाकी के भी बना लेते हैं इसको हम आइस में रखेंगे। चलिए फिर से हम इसको दूसरा फिर से प्रोसेस कर दिखाते हैं। तो हमने एक बॉल ली, बॉल को हम फिर से इसी तरीके से मैं हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे और उठा उठा के चारों तरफ से एक साथ जिसे कि आए इसकी परत, तो हम इसको उठा उठा के चारों तरफ से रोटी की तरह बेल लेंगे। और ये ध्यान रखिए कि हल्के हाथों से बेलना है, नहीं तो आपका मक्खन जो है वो टूट जाएगा और रोटी बनकर तैयार नहीं होगी। ये देखिए ये हमारी मक्खन की रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम ऊपर की प्लास्टिक की जो है वो हम हटा देते हैं। तो ये देखिए बहुत ही हल्के हाथों से इस तरीके से मैं इसको हम हटा लेंगे। ये देखिए ये हट गई, कितनी आसानी से हट जाती है और ये हमारी रोटी बनकर तैयार है। अब हम इसको फिर से नाइफ की हेल्प से हाफ कट ले लेते हैं। तो ये देखिए ये हमने हाफ कट ले लिया इसका, जिस तरीके से मैं समोसा बनाते हैं उसी तरीके से मैं इसको भी हाफ कट लेकर कोन का शेप दे देते हैं। तो ये देखिए ये हमने हाफ कट लिया है। अब नाइफ़ की हेल्प से इसके नीचे से थोड़ा सा एक बार नाइफ चला देंगे जिससे कि ये पॉलीथीन से अलग हो जाए। तो ये पॉलीथीन से अलग हो गया और जब हम इसको कोन का शेप देंगे उससे पहले हम हाथों में थोड़ा सा आइस लगा लेते हैं क्योंकि हमारे हाथों की गद्दियों की गर्मी रहती है, उससे भी मक्खन मेल्ट हो सकता है। तो हमने ये आइस लगाने के बाद में ये मक्खन की हाफ रोटी उठा ली है। अब हम इसको कोन का शेप देंगे। ये देखिए कितनी आसानी से कोन का शेप बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से मैं हम कोन का शेप जब हमारा हो जाएगा तब हम इसमें अपना जो मावा का हमने भराव बनाया था उसको हम डाल देते हैं। तो ये देखिए अब हम मावा का जो भराव तैयार है उसको हम डाल देंगे। बहुत ही यमी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट बनकर ये मक्खन समोसा बनकर तैयार होता है, जो मुंह में जाकर मक्खन की तरह वाकई में घुलकर टेस्टी टेस्टी और बढ़िया आनंद देता है। मिठाई का जानों की मिठाई बनाकर आप ज़रूर देखिए और बताइए मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको, और एक बार तो ज़रूर बनाइए। जब मक्खन तो सबके घर में बनता ही है तो एक बार ज़रूर बनाइए और बताइए ये कैसी लगी आपको। तो ये देखिए हमारा एक दूसरा भी मक्खन समोसा बनकर तैयार हो गया है। इसको भी हम आइस में रख देते हैं और जब ये सारे इकट्ठा बनकर तैयार हो जाएंगे तो थोड़ी देर के लिए इनको हम फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रीज़र में रखने से ये थोड़ा सा इसमें चिकनापन भी आ जाता है जिससे कि बिल्कुल चिकना बनकर तैयार होता है। ये देखिए फ्रीज़र में रखने के बाद में
कम से कम एक आध घंटे के बाद में क्या बिल्कुल शेप आया है, कितना स्मूथ, कितना चिकना बनकर आया है ये देखिए। और ये चिकना तभी होगा जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा मक्खन घिसेंगे, उतना ही ज़्यादा बढ़िया अच्छा मक्खन चिकना बनकर तैयार होगा आपका। तो ये देखिए, ये हमने 4 पीस मक्खन समोसे के बनाकर तैयार किए हैं, कितने बढ़िया, कितने स्मूथ, बिल्कुल भी कहीं भी एक रेशा भी टूटा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम मक्खन घिसेंगे, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए, हम पानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा निकाल देंगे मक्खन का, उतना ही बढ़िया हमारे मक्खन समोसा बनकर तैयार होंगे। तो इस जानो ये मिठाई ज़रूर बनाइए। चलिए आगे की प्लेटिंग करते हैं, और सर्व करने के लिए थोड़ा सा हमने इसको डेकोरेट कर दिया है, थोड़ा पिस्ता और केसर से मक्खन समोसे को डेकोरेट करने के बाद में हम चलिए आइए सर्व करते हैं। तो ये लीजिए आपके लिए बढ़िया मक्खन समोसा, जाड़ों की मिठाई तैयार है। तो ये टेस्ट कीजिए और बताइए ये कैसी बनी है, कितनी बढ़िया, कितनी सॉफ्ट मक्खन समोसा। और आप खाते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा और मक्खन की तरह ये घुल जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है, कितना अच्छा है। आप भी टेस्ट करिए, है ना, बढ़िया मज़ेदार मुंह में आ गया ना पानी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी, मज़ेदार ये मिठाई बनकर आई है, बिल्कुल नई। देखिए इसको हम काट कर भी दिखाते हैं, कितना अंदर से कितना बढ़िया अच्छा टेक्सचर आया है इसके मावे का। तो आप ज़रूर बनाइए और बताइए ये कैसी बनी है। ये देखिए इसको तोड़कर भी हम दिखा रहे हैं, क्या वाव, क्या बात है, कितना बढ़िया अच्छा मावे का कलर भी आया है, बिल्कुल बाजार की तरह है। आप ये तो मक्खन तो आप रोज़ घर में बनाते होंगे, तो आप एक दो बार तो मक्खन समोसा ज़रूर बनाकर देखिए, और घर में बिल्कुल नई एक अलग डिफरेंट मिठाई बनाइए और बताइए कैसी बनी है। तो ये लीजिए मक्खन समोसा बनाइए और बताइए ये कैसी बनी, और मेरी रेसिपी भी बताइए कैसी है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखना ना भूलिए। धन्यवाद।